गुड इवनिंग। पिछले वीडियो में आपने देखा है 16 फीट बाय 29 फीट में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का प्लान, तो वही 16 फीट बाय 29 फीट के भूखंड पर तीन और ऑप्शंस देखते हैं। साइड प्लान वही है, ये आपका 16 फीट और ये 29 फीट, फ्रंट सेटबैक 5 फीट और रियर सेटबैक आपका 3 फीट, पूरब साइड में रोड। तो देखते हैं इसका ऑप्शन 2, ये रहा आपके स्क्रीन पर 16 फीट बाय 21 फीट कंस्ट्रक्शन एरिया है, इसमें ऑप्शन 2 है ये। तो ये आपका यहाँ पर पीछे में बेडरूम का साइज दिया हुआ है 10 फीट बाय 10 फीट 5 इंची बाय 8 फीट है, ये 10 फीट 5 इंची ऐसे और 8 फीट ऐसे है। पीछे में एक 4 फीट बाय 4.5 फीट का खिड़की प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद में पीछे यहाँ ये WC और ये बाथ, WC का साइज है आपको 3.5 फीट बाय 3 फीट 3 इंची और बाथरूम का साइज है 3.5 फीट बाय 4 फीट 4 इंची। ये यहाँ पर 3 फीट का इसमें भीतर जाने के लिए दरवाज़ा छोड़ा हुआ है और इसी जगह से आपको ये 2.5 फीट चौड़ाई में सीढ़ी प्रोवाइड किया गया है। ये फर्स्ट फ्लाइट है, ये 1 2 3 4 5 स्टेप आपका यहाँ रह जाए और 6ठा 7वां ऐसे घूम करके आ रहा है ये। इसमें यहाँ पर भी ट्रेड की चौड़ाई रखी हुई है 9 इंची और राइजर है आपका 7 इंची का, ये इसे इसे घूम करके यहाँ आएंगे और ये यहाँ पर 9 फीट बाय 9 फीट का मल्टीपर्पज़ स्पेस है और इसी से सटा हुआ इधर किचन है। किचन का साइज आपका है 9 फीट लेंथ में और ये चौड़ाई है इसका 5 फीट। ये कुकिंग प्लेटफॉर्म हो गया, इस साइड में आपका यहाँ 2.5 फीट बाय 4.5 फीट का खिड़की दिया हुआ है, आगे में एक प्लेटफॉर्म बनता है 2.5 फीट चौड़ाई में यहाँ से यहाँ तक। इस जगह पर भी वही सिमिलर आपको ये आपको विंडो प्रोवाइड करना है और उसके बाद में आपका ये 2.5 फीट का ये हो जाएगा जी, 2.5 फीट बाय 4.5 फीट का और ये यहाँ से आपका 3 फीट का आ जा रहा है। ग्रिल गेट लगा देना है, पीछे इसमें नई छोरे हुए हैं और इस पर फर्स्ट फ्लोर में जाने के बाद में आपका ये यहाँ से यहाँ तक में आपका पूरा का पूरा आपका कवर्ड हो जाएगा ये। और इस जगह यहाँ या इस जगह दे करके छोटा सा बालकनी आप इसको निकाल सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन बुरा नहीं है। और चलिए जब देख लें तीसरा और चौथा ऑप्शन, ये आपके सामने आया तीसरा ऑप्शन, ये देखा जाए ये भी अच्छा है। इसमें एक साइड में आपका जो है सुप WC है, एक साइड में पीछे में बाथरूम है। WC का ये हो गया आपका 3 फीट 7 इंची बाई ये 4 फीट का है और ये बाथरूम का है ये 5 फीट बाय 4 फीट का, इससे सटा हुआ है आपका 9 फीट बाय यहाँ से लेकर करके यहाँ तक आपका यहाँ आ जा रहा है 9 फीट बाय हो गया आपको 10 फीट के आसपास का है ये। यहाँ ये गलती से लिखा हुआ है ये 13 फीट 11 इंची, ये नहीं है, इस दोनों को डिडक्ट करते हैं तो 5 4 9 हो गया, तो 9 तो इसी के 9 हो गया ये और उसमें से 10 10 20 10 3 2.5 फीट 11.5 फीट आप उसमें से 21 से निकाल लेंगे तो वही इसका आएगा ये, तो 9 फीट के आसपास में आता है आपको 9 11.5 उसमें से निकाल देते हैं तो 10 आता है 10 आएगा 9.5 के आसपास में आएगा ये। और ये आपका आ गया ये इसे 6 फीट 6 इंची और 3.5 तो 6 और 3.5 आपका हो गया 9.5 और ये 10 फीट के आसपास में ये। और ये आगे में आपको 5 फीट का ये यहाँ से यहाँ तक में, लेकिन इसमें उस पिछले वाले उसे थोड़ा खासियत ये है कि ये इसका वरंडा आपका यहाँ से यहाँ तक चलाता है, तो आउटसाइडर को अगर आप चाहें तो यहाँ बैठा सकते हैं या कोई वैसा रिश्तेदार है तो जिसमें एक उसमें खाट यहाँ आ जाएगा, तो ये भी अच्छा है। और उसके बाद में वही है आपका यहाँ पर 5 फीट बाय 3 फीट का लैंडिंग है, सीधी ऐसे करके इसे घूम करके आता है ऊपर। राइजर यहाँ पर भी 9 फीट रखा हुआ है और राइजर है 7 इंची का और ये 9 इंची का ट्रेड है आपका और ये नीचे
उतरने के लिए आपका जो है एक दो तीन स्टेप है, 6 इंच 1.5 फीट का फ्लोर से ये 1.5 फीट ऊपर उठा हुआ है। तो ये था आपका ऑप्शन थर्ड। हाँ जी, और अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। जी हाँ, ये चौथा ऑप्शन ये है। इसमें सभी अलग अलग ढंग से है, अलग अलग, कहीं किसी से कोई उसमें नहीं है। ये तो और भी अच्छा लग रहा है। चलो, बाहर में आपका इतना स्पेस भी बच जा रहा है, इस जगह आपका 9 फीट बाय 10 फीट का आगे में रूम हो गया। इसी रूम से सटा हुआ आपका किचन यूज कीजिए, और बाहर साइड में आपका बाथरूम है, और ये पीछे में लेट्रिन है। आउटसाइडर लोग भी यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस जगह पर एक सेल्फ प्रोवाइड किया हुआ है, और इस साइड से डायरेक्ट सिंगल फ्लाइट में यह सोफा सीढ़ी ले जाया गया है। ये आपका यहाँ से 9 इंची है, और 7 इंची में यहाँ से यहाँ तक चला जाता है ऊपर। तो इसके नीचे में भी आपका यह अतिथि स्पेस यहाँ बच जाएगा, जिसमें रैक वगैरह डलवा सकते हैं, सामान रखने के काम में आएगा। और पीछे आपका ये 2.5 फीट का यह सो पैसेज, ये जो पैसेज है आगे जाकर के पीछे रेयर सेटबैक में खुलता है। दोनों ऑप्शन आप रख सकते हैं, आप इधर से भी सीढ़ी को ऊपर उठा सकते हैं, इस साइड से भी, आपके चॉइस पर है। इसे जानबूझ करके के इस साइड में रखा, अगर आप उधर से रखते हैं तो ये उठते चला जाएगा। तो ये स्पेस यहाँ से यहाँ तक में आपको ऊँचा पड़ा जाने के बाद में ज़्यादा हो जाएगा बाहर आउटसाइडर के लिए। तो दोनों कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन खुला हुआ है। तो ये था, आपने देखा पिछले वीडियो, और इसमें 4 ऑप्शन 16 फीट बाय 21 फीट का, कोई भी इसमें से ऑप्शन आपको अवश्य ही पसंद आएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज। ओके, थैंक यू।